हेलो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जैसे कि मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम से पढ़ा हूँ तो मेरे को पता है थोड़े लेक हैं या क्या अच्छी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। इसी में आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा। एक लड़का था, जब वो उसका मतलब जन्म हुआ तो उसको इंटरेस्ट इनमें था, एनिमेशन हो गया, ग्राफिक डिजाइन हो गया या फिर कार्टून बनाने में। आप इजीली समझ लो कि उसको कार्टून बनाने में इंटरेस्ट था, जो कॉमिक्स पढ़ते हैं आप उनमें जो कार्टून आते हैं उनमें। बट जैसे ही इंडियन एजुकेशन सिस्टम हैपन हुआ उसको पढ़ने के लिए जाना पड़ा और टेंथ तक वो एक एवरेज स्टूडेंट था, क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो उस चीज़ में था, पढ़ाई में कभी था ही नहीं। उसको साइंस, मैथ्स, एसएसटी ऐसी चीज़ें पढ़नी पड़ रही थी जिनमें उसका इंटरेस्ट नहीं था। फिर क्या होता है, इलेवंथ जब उसके टेंथ का रिजल्ट आया तो उसके एवरेज मार्क्स आए। इसके बाद अब उसको इलेवंथ में केवल दो ऑप्शन दिए गए, या तो मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग। तो उसने जैसे और लोगों को देखा तो उसने सोचा इंजीनियरिंग कर लेते हैं। उसके पास ऑप्शन ही दो थे तो उसने इंजीनियरिंग की कोचिंग करना स्टार्ट कर दिया। सुबह स्कूल जाता फिर कोचिंग फिर घर पे, ऐसे उसकी दो साल निकल गए। फिर उसके बाद ट्वेल्थ का रिजल्ट आता और आईआईटी का रिजल्ट आता है तो उसका उसको कोई अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलती। जैसे कि आपको पता है कि उसका इंटरेस्ट अभी भी उस चीज़ में है, लेकिन वो कभी उसको उठने ही नहीं दिया, उसके घर वालों ने कभी उसको सपोर्ट ही नहीं किया। तो फिर क्या होता है कि उसके घर वाले जितने थोड़े बहुत रुपए कोचिंग में लगा चुके, अब उसको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिली नहीं तो कोई एक एवरेज सी कॉलेज देखते हैं प्राइवेट, उसके अंदर उसका एडमिशन करा देते हैं और वो चार साल के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में चला जाता है। उसको उसमें भी इंटरेस्ट नहीं आया और वो डिप्रेशन में चला गया, फिर ऐसी चीज़ें ढूंढने लगा जिसको जिससे उसको थोड़ी बोरियत फील ना हो। तो इंजीनियरिंग होने के बाद उसको तो कोई अच्छी जॉब मिली नहीं, क्योंकि उसका कभी था ही नहीं कि मेरे को यार लैपटॉप चाहिए या कुछ इंटरनेट से करना है, कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। उसको तो सिंपली कार्टून बनाने में इंटरेस्ट था। वहीं पे कुछ ऐसे दोस्त थे जो बाहर चले गए यूएसए में, कुछ ऐसे थे जो यूपीएससी की तैयारी करने लगे, और कुछ ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से गवर्नमेंट का विरोध कर रहे हैं और जिनको पता नहीं है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट हैं एक वेस्ट एजुकेशन सिस्टम के जो हमारा इंडिया का है। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की यही बात अच्छी नहीं है कि यहाँ पे पेरेंट्स हो चाहे कोई भी हो, टीचर वगैरह, उन सबको केवल एक ही चीज से मतलब है कि बच्चा पढ़े। अगर बच्चे को मजा नहीं आ रहा या इंटरेस्ट नहीं है साइंस मैथ में तो उनको कोई मतलब नहीं है। वो ये नहीं पूछते कि आपको क्या करना है, कुछ नहीं, उनको बस ये मतलब है कि पढ़ाई होती है जिससे आदमी ये कर सकता है और अगर कोई पढ़ेगा नहीं तो वो कुछ नहीं कर सकता। उनकी मेंटेलिटी इतनी है। हमारे इंडियन पेरेंट्स भी बच्चों को सपोर्ट नहीं करते। हाँ, अब 2021 में ज़रूर ऐसा टाइम आ गया जब पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं और नहीं कर रहे तो बच्चे आगे आ रहे हैं, वरना इतने दिन तो ऐसा था कि भगवान समझते थे माता पिता को और वो कभी उनको अपोज नहीं करते थे और जो माता पिता मतलब पेरेंट्स जो कह देते थे वही बच्चे करते थे। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। जैसे मैंने आपको उसकी स्टोरी सुनाई और ये रियलिटी है और ये मिलियंस पीपल के साथ होता है जो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते। और एक साल तो ऐसी भी आई थी जब इंडिया में इतने इंजीनियर्स बने थे कि जहाँ मतलब कोई कंट्री होगी उसका नाम याद नहीं है, वहाँ की पॉपुलेशन जितने इंजीनियर्स एक साल में निकाल देती है इंडिया। ऐसा टाइम है, इंडियन पेरेंट्स को केवल दो ही चीज़ों पर विश्वास है, या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, थर्ड चीज़ पे उनको विश्वास ही नहीं होता। तो ये हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो आज भी स्टोरी के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसी चीज़ें जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट कर सकता है, ब्रिटिश से मान लो चाहे फॉरेन से मान लो या फिर वर्ल्ड से इंडियन एजुकेशन अडॉप्ट कर सकता है ताकि उनका एजुकेशन सिस्टम का भी कोई नाम। तो पहली चीज़ ये है कि स्टार्ट द स्कूल एज सेवन, मतलब फिनिश स्कूल जो वर्ल्ड की बेस्ट स्कूल मानी जाती है जो फिनिश लोगों के लिए है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो स्कूल है वो 7 साल के जब बच्चे होते हैं तब से स्टार्ट होती है और वहाँ पे केवल 9 साल की कंपलसरी एजुकेशन, मतलब जो बच्चा 16 ईयर का हो जाता है तब उससे पूछा जाता है कि या तो आप पढ़ो या फिर कोई काम करना है, कुछ और चीज़ में इंटरेस्ट हो तो आप वो कर सकते हो। कितना इंटरेस्टिंग होगा नहीं क्या। इंडिया में 5 साल से एजुकेशन स्टार्ट होती है लेकिन आजकल कई पेरेंट्स इतने उत्सुक हो रहे हैं, एक्साइटेड रहते हैं कि वो 5 साल से पहले भेजने लग जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है और वो डेवलपमेंट वो घर पर ही होता है। सोशल बनाना है, कुछ और करना है, वो आप और भी कई चीज़ों से कर सकते हैं, स्कूल ही ज़रूरी नहीं है। अगर सोशल करना है तो आप उसको खेलने भेजो, कैसे भी करो, वो हो सकता है, स्कूलिंग ज़रूरी नहीं है। और फिनिश स्कूल का अच्छी बातें बताता हूँ आपको और भी। फिनिश स्कूल में क्या है, उनको खाना फ्री मिलता है, उनको और भी चीज़ें जो होती हैं जो पेरेंट्स अवेलेबल नहीं कर सकते वो सब मिलते हैं। और जहाँ पे और बच्चे अपनी नींद ख़राब करते रहते हैं, होमवर्क करते रहते हैं, जब 5 साल का बच्चा होता है वो होमवर्क करता है, वहाँ पे 7 साल से तो स्टार्ट होती है, उसके बाद भी उनको सबसे कम मतलब वर्ल्ड में सबसे कम जो होमवर्क होता है वो फिनिश स्कूल में मिलता है। तो आप ये देख सकते हैं कि और उनका एजुकेशन सिस्टम ख़राब नहीं है, बेस्ट बताया जा रहा है।
जबकि वो होमवर्क कम से कम दे रहे हैं, बट कि यहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि इसको होमवर्क दे दो ताकि बैठा रहेगा, ऐसे नहीं कि इसको कुछ पढ़ाएं, कुछ इंटरेस्ट दिलवाएं या बच्चे का इंटरेस्ट आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करते ना। तो वो एक बोरिंग सा चौक डस्टर ले लेते हैं और अपना एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। कईयों ने आजकल ऑनलाइन किया है या फिर जो डिजिटल बोर्ड्स हैं वो यूज कर रहे हैं, बट ये गाँव तक नहीं पहुँचा है, क्योंकि मैं गाँव से मैं आपको रियलिटी बता सकता हूँ। और वहाँ पे एक टीचर को भी अच्छा प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए क्या होता है कि केवल वो एक साल में 600 आवर्स ही पढ़ा सकता है, उसके बाद उसको ब्रेक लेना पड़ता है ताकि वो अपने आप की ग्रोथ या फीडबैक के फीडबैक ले लोगों से कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, तो उसमें टीचर्स की भी ग्रोथ होती है वहाँ पे। सेकेंड थिंग है रिप्लेसिंग पनिशमेंट विद मेडिटेशन। तो आजकल तो इंडिया में भी ये हो गया है कि CBSE स्कूल में अपन पनिशमेंट नहीं कर सकते थे, वरना इंडिया में लोग मतलब जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट्स को कैसे भी पीटते थे स्टिक से कैसे भी, तो ये बहुत ही गैरकानूनी सा लगता है मेरे को और ये अच्छा भी नहीं है। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आज भी ऐसी चीज़ है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट को पीटता है, और आप अगर मान लो पिटाई वाली चीज़ छोड़ दें फिर भी पनिशमेंट को लेते हैं, क्या कर सकते हैं पनिशमेंट के तौर पर एक टीचर एक स्टूडेंट को क्या दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स के सामने खड़ा कर सकता है या क्लास से बाहर कर सकता है या फिर बेंच पर खड़ा कर दे। लेकिन एक स्कूल है जहाँ पे ये किया गया कि जो भी बंदा होमवर्क नहीं करके लाता या फिर उसने कोई गलती की उसको पनिशमेंट देनी होती, तो उनको एक मेडिटेशन का अलग पीरियड बना दिया गया, मतलब उनको मेडिटेशन करवाने के लिए भेज देते थे जहाँ पे एक टीचर होता है और वो उनको मेडिटेशन सिखाता है। तो इससे क्या हुआ कि जहाँ पे पनिशमेंट करने से उसका ईगो हर्ट होता है, उसको ह्यूमिलिटी होती है, उसको शर्मिंदगी फील होती है, इंसल्ट फील होती है, तो उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होता है, वहीं पे अगर वो मेडिटेशन करता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी अप जाएगा और उसका माइंड थोड़ा शांत होगा और आगे से वो ऐसी गलती नहीं करेगा। तो पनिशमेंट को मेडिटेशन में बदलो। थर्ड थिंग है स्टार्ट स्कूल क्लीनिंग। मतलब कई लोग हैं अपन देख रहे हैं कि जो स्वीपर्स होते हैं या कोई भी ऐसा जो साफ सफाई करता है उनको हम लोग नीची नज़र से देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं यार ये छोटा काम है। लेकिन अगर हम स्कूलों में ये चीज़ करवाने लग जाएं कि हफ्ते के हफ्ते बच्चों से साफ सफाई करवाएंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जो बच्चे खुद काम करेंगे वो कभी भी ऐसे नहीं सोचेंगे कि ये छोटा है। तो किसी भी बंदे या बंदी को ऐसे नहीं, कोई भी स्वीपर होगा, कुछ भी होगा, क्यों होगा, तो उसको कभी भी छोटा नहीं मानेंगे। इससे इक्वलिटी आएगी और उनका नज़रिया भी बढ़ेगा और साथ साथ वो साफ सफाई करना भी सीखेंगे। आजकल के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो केवल पढ़ाई में ध्यान देते हैं और उनको सोशल या फिर कोई नेटवर्क वगैरह उनका कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको खेलने भी नहीं भेजते। पेरेंट्स ऐसे हो गए कि नो प्ले ऑल वर्क, मतलब पूरे दिन होमवर्क भी इतना दिया जाता है इंडियन सिस्टम में कि वो जब शाम को आता है तो रात तक केवल होमवर्क में लगा रहता है। तो ये भी एक कमी है। तो स्कूलों में क्लीनिंग स्टार्ट करवाई जा रही है। तो फोर्थ थिंग है गेटिंग रिड ऑफ ग्रेड्स। मतलब सिंगापुर में एक स्कूल है, मतलब सिंगापुर के जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये किया है कि अब से ग्रेडिंग सिस्टम बंद कर दिया जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को ग्रेड नहीं किया जाएगा कि उसके 60 हैं, 70 हैं, 80 हैं, उनको जो वो मतलब स्टूडेंट्स का कितना स्कोर किया क्या किया वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अपने पेरेंट्स उनके पेरेंट्स को बता देंगे और वो घर पे जाके डिस्कस कर सकते हैं। इससे हुआ क्या है, जैसे इंडिया में कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, उनके इंडिया में भी जो मेरिट सिस्टम वो इसीलिए बंद किया गया क्योंकि किसी के 96 आ रहे हैं परसेंट, फिर भी वो मरना चाहता है या फिर वो सुसाइड कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि मेरिट तो 98 पे। तो ये इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है जिसकी वजह से जैसे उन्होंने मेरिट बंद किया वैसे उनको ग्रेडिंग सिस्टम भी बंद कर देना चाहिए। ग्रेडिंग सिस्टम से डिप्रेशन होता है, सुसाइड करते हैं और भी कई चीज़ें हैं। फिर लोग क्या सोचते हैं कि यार इसके 60% है, यार ये तो वीक है, इसको आर्ट लेनी चाहिए, इसके 90 हैं, इसको साइंस लेनी चाहिए, मैथ लेनी चाहिए। भले ही जिसके 90 हैं उसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो, जियोग्राफी में इंटरेस्ट हो, लेकिन लोग उसको मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग के लिए भेजते हैं और वो खुद भी मतलब वो रोक नहीं पाता, खुद भी जाता है वो सोचता है यार 90 हैं, मैं आर्ट नहीं ले सकता। तो ऐसी मेंटेलिटी है इंडिया की कि जिसके 90 हैं वो आर्ट तो ले ही नहीं सकता। भले ही आज थोड़ा बहुत चेंज आया लेकिन इंडिया एजुकेशन सिस्टम के जो पेरेंट्स हैं वो वही हैं, उनका माइंडसेट ऐसा ही है कि अगर मेरे बच्चे के परसेंटेज कम है तो मेरा बच्चा नालायक है या फिर कुछ अच्छा नहीं कर सकता। फिफ्थ थिंग है बॉयज आर टोल्ड हाउस होल्ड वर्क्स। मतलब इक्वलिटी के लिए क्या किया जाता है, स्पेन में जो स्कूलें हैं उन्होंने स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग में तो उन्होंने केवल कुकिंग स्टार्ट की थी कि बॉयज को भी कुकिंग सीखेंगे ताकि वो कहीं पे जाएं या फिर अगर इंडिविजुअलिटी की बात हो, इंडिपेंडेंसी की बात हो, अगर वो खुद का काम करना चाहें तो खुद का खाना तो बनाना सीखे। इससे क्या होता है फिर वो लड़कियों को जो होता है उसको भी इक्वल नज़र से देखता है कि यार कितना एफर्ट लगता है खाना बनाने में। फिर उनके पेरेंट्स ने या फिर टीचर्स ने और उन्होंने भी और इन्वॉल्वमेंट दिखाई तो इसके बाद उनको आयरनिंग करना,
इस्त्री वगैरह करना, उनको बेड बनाना कि बिस्तर कैसे बनाते हैं, उनको क्लीनिंग सिखाना, और भी कई चीज़ें थी जो उनको सिखाई गई, जो ज़्यादातर अपन देखते हैं इंडियन इंडियन सिस्टम में लड़कियाँ ही करती है, वो चीज़ें उन्हें सिखाई गई। इससे क्या होता है, एक तो जो लड़का है जो वो काम सीखता है उसको पता चलता है कि इन चीज़ों में कितना एफर्ट लगता है। सेकंड थिंग, वो उन जो लोग ये काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपन अपनी मम्मी की भी कई बार रिस्पेक्ट नहीं करते कि यार कपड़े तो धोती कोई बड़ी सी नहीं है, लेकिन जब अपन खुद धोते हैं तो अपन को पता चलता है कि वॉशिंग क्लॉथ में भाई शोर आता है एंड ये रियलिटी है, तो अपन फिर रेस्पेक्ट करेंगे, फिर इज्जत करेंगे, यार ये भी कोई काम है, फिर अपन भी उनकी हेल्प करते हैं वो काम में या कोई और काम में जो अपन कर सकते हैं। तो ये भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को जरूर एडॉप्ट करना चाहिए। तो कैसे लगे वीडियो कमेंट में जरूर।